कल भी आए, कल रेगुलर कई कॉल आए जो प्राइवेट नंबर दर्शा रहा था, कभी इंटरनेशनल कॉल दर्शा रहा था, और भयानक गालियां दी, बहुत ही गंदी गालियां माननीय मोदी जी को लेकर के, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी जी को लेकर के, मुझे लेकर, और राम मंदिर निर्माण को लेकर के, और हनुमान चालीसा के पाठ का जो मैंने आह्वान किया है उसको लेकर, ये सब लेकर के उन्होंने गालियां देना शुरू किया। कहीं का शिकायत वगैरह की आपने? हाँ, मैंने कमला नगर थाना भोपाल में FIR दर्ज करवाई है। अगर बात करें जिसके पहले धमकियों का खत मिला है, ये धमकी है, तो क्या इन धमकियों को असर पड़ता है? नहीं, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, इतना समझ में जरूर आ जाता है, ये कायर लोग दिल मिला रहे हैं, भयभीत हैं, इसलिए ये अननोन नंबर से कॉल करते हैं। क्या सामने आएंगे तो क्या रहेगा आपका रिएक्शन? क्या कार्रवाई होना चाहिए या फिर इनको जो धमकियां हैं इनसे आपको किस तरह का लगातार फोन कॉल तो आ रहे हैं, रिसीव करना आपका फर्ज बनता है? देखो, ऐसा है, सांसद हूँ इसलिए कानूनी कार्यवाही कर रही हूँ। हम एक कानून में का सम्मान करते हैं, कानून में बने इसलिए उसका भी सम्मान करते हुए हमने FIR दर्ज करवाई है। पर अगर जब सामने कोई इस प्रकार से आक्रमणकारी आएगा, विधर्मी आएगा, देशद्रोही आएगा, तो एक देशभक्त का जो कर्तव्य होना चाहिए वो हम भी करेंगे। आपने दो दिन पहले बयान दिया था कि अगर इस तरह के बयानबाजी आएंगे और दूसरी पक्षी तरफ से, तो हिंदुओं को भी सर को उतरना पड़ेगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल बात है वो? नहीं, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, इससे संबंधित है, लेकिन हाँ, हमारे प्रभु राम जी के मंदिर को लेकर के जो गालियां दी गई हैं, जो हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर के गालियां दी गई हैं, तो है तो विधर्मी, और ऐसा करेंगे तो हिंदू भी अब चुप नहीं रहेगा और रह भी नहीं रहा है, हिंदू भी जवाब देगा और देना भी चाहिए। नहीं, देशभक्त कभी डरते नहीं है, क्रांतिकारी लोग कभी डरते नहीं है, हमने जन्म राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए लिया है और वो कर रहे हैं। ये करते करते यदि हम समाप्त तो हो जाते हैं तो हमें हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, और उसके बाद हम पुनः जन्म लेंगे, हम तो पुनर्जन्म की परंपरा में चलते हैं, तो हम पुनर्जन्म लेंगे और उसके बाद फिर राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए निरंतर रहेगा हमारा, हर जन्म देश की रक्षा के लिए होगा। एक विशेष धर्म के व्यक्ति ने पहले आपको खत लिखकर धमकी दी गई थी, इस बार भी ऐसा कुछ है? निरंतर विधर्मी लोग ऐसा कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, रेगुलर हमें फोन पे धमकियां आती हैं और अननोन नंबर से आती हैं, कभी इंटरनेशनल कॉल होता है तो कभी प्राइवेट नंबर से आते हैं, वो अपनी पहचान भी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग क्या किसी को डराएंगे धमकाएंगे, हम देश धर्म पर जीने मरने वाले लोग कभी डरते नहीं है। इन लोगों की क्या संदेश है? मैं यही कहूंगी कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, तो जो अपना जीवन जन्म लिया है तो अच्छे से जिए और समाप्त हो, तो सद्बुद्धि पाएंगे। प्रभु राम जी से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसे लोगों को अच्छे से सद्बुद्धि दे दें तो जी पाए, और अगर नहीं जिए तो उन्हें जहाँ जाना हो जाए, लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं।